हेलो भाई, नमस्ते। मैं शेफ अंशुल आगरा से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। होप आप सब लोग सेफ और हेल्दी होंगे अपने घरों में। और आई थिंक अमूल ऑल्सो मुझे तीसरी बार अपने पेज पे लाइव आने के लिए और मेरे जैसे अप्रिशिएट करने के लिए। जैसा कि हम सबको पता है, आज गुजराती स्पेशल है और गुजराती कुजीन का नाम सुनते ही हमारे जो दिमाग में सबसे पहले डिश आती है वो उनका है ऑल वर्ल्ड फेमस ढोकला। तो उनके जो खमन ढोकला है उसी को नया रूप और एक हेल्दी रूप देते हुए मैं आज आपको एक नया ढोकले का नया वर्जन बनाना सिखाऊंगा, ओट्स एंड दलिया ढोकला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है। उसके लिए जो मैंने इंग्रीडियंट्स लिए हैं वो मैंने लिया है ओट्स, जिनको मैंने ड्राई रोस्ट करके थोड़ा वो कर लिया है, थोड़ा रोस्ट करके थोड़ा ग्राइंड कर लिया है। दलिया लिया है, बेसन लिया है, खाने वाला सोडा लिया है, शुगर ली है और नींबू का साथ जिसे हम सिट्रिक एसिड बोलते हैं वो लिया है। चलिए आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। इनको मैं एक ब्लेंडर में डालूंगा। ये दलिया, ये ड्राई रोस्ट रोस्टेड मेरा जो ओट्स था वो इसमें मैं डालूंगा। ये सब लगभग 100-100 ग्राम के आसपास लिया मैंने। इसमें मैं अब 2 चम्मच बेसन डालूंगा और इसमें मैं डालूंगा थोड़ी सी चीनी 1 चम्मच के आसपास और स्वाद के अनुसार नमक। अब मैं इसमें डालूंगा पानी और ये इसका बैटर बन गया। मैंने इस बॉल में निकाल लिया और इसमें अब मैं डालूंगा थोड़ा सा सिट्रिक एसिड। थोड़ा सिट्रिक एसिड डालूंगा और अच्छे से मिलाऊंगा। बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बनेगी। इसके बाद इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा खाने वाला सोडा। सोडा डालते ही ये रिएक्ट करेगा और एकदम से इसमें ये लाइट हो जाएगा बैटर। ये देखिए, ये एकदम से ऊपर आ गया। देखिए कितना लाइट हो गया। ये देखिए, इसने रिएक्ट कर दिया और इसमें देखिए कितना एयरी बैटर हो गया। क्वेश्चन पूछते रहिए।
ये बैटर हमारा रेडी है। अब मैं एक बोल लूंगा, उसको मैं ग्रीस करूंगा। ये पानी मैंने तैयार कर रखा है बॉइलिंग पे, मैंने बीच में एक स्टैंड रखा है, इसमें मैं ये रखूंगा स्टीम करने के लिए। इसको कवर करके सिट्रिक एसिड कब मिलाना है? सिट्रिक एसिड जब हम बस एट लास्ट जब हम स्टीम करने जा रहे हैं उसके उसी टाइम, बस जैसे हम लास्ट मोमेंट पे इनो मिलाते हैं उसी मोमेंट लास्ट मोमेंट पे हम सिट्रिक एसिड मिलाएंगे। दलिया को भी रोस्ट किया है क्या? हाँ, दलिया भी रोस्ट किया है। मैंने ही कढ़ाई ली है, आप कोई भी इडली स्टीमर या ढोकला स्टीमर हो आपके पास, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं किसी में भी इडली की शेप में भी आप उसको स्टीम कर सकते हैं, बाद में उसको टेम्परिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत फिजिबल लगता है तो मैं इसी में करता हूँ। दो आई हैव द बोथ ऑप्शंस बट still I found easy in this. Can you repeat the recipe? Recipe मैंने एक 100 ग्राम ओट्स लिए, 100 ग्राम दलिया लिया इक्वल क्वांटिटी में, उनको ड्राई रोस्ट किया और उसके बाद एक ब्लेंडर में मैंने उन दोनों को डाला विथ टू टेबल स्पून ऑफ बेसन और उसमें फिर थोड़ा सॉल्ट और शुगर डाल के और पानी डाल के उसका पोरिंग और कंसिस्टेंसी में बैटर बनाया। मैंने उसमें ग्रीन चिली जिंजर कुछ नहीं डाला है। इफ यू लाइक द टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ ग्रीन चिली एंड जिंजर एज वेल यू कैन एड एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग। आप बैटर बनाते समय ही उसमें डाल दीजिए और जैसे आपका पोरिंग कंसिस्टेंसी में बैटर बन जाएगा उसमें उसको बॉल में निकालिए एंड जब हम स्टीम करने जा रहे हैं उसको तो उसमें सिट्रिक एसिड एटलीस्ट हाफ टी स्पून ऑफ सिट्रिक एसिड एंड हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग सोडा पहले सिट्रिक एसिड डालिएगा, अच्छे से मिला लीजिएगा क्योंकि जैसे ही आप बेकिंग सोडा डालेंगे उसमें तो एकदम से रिएक्ट करेगा, फूल जाता है बैटर और स्ट्रेट अवे यू आर ट्रांसफर इट टू अ स्टीमिंग डिश। स्टीम डिश में ट्रांसफर करते ही उसको आप स्टीम करने के लिए रख दीजिए। अब जब तक हमारा ढोकला स्टीम हो रहा है मैंने ऑलरेडी एक ढोकला बना के रखा है क्योंकि 20-25 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए ये ढोकला हमारा रेडी है, अब इसको हम टेम्परिंग करेंगे। टेम्परिंग के लिए गैस ऑन गैस ऑन उसके बाद लगभग 1-1.5 चम्मच और टेम्परिंग के लिए मैं लूंगा राई, थोड़ी सी हींग, कड़ी पत्ता, स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज, ये ग्रेट किया हुआ कोकोनट, मैंने ड्राई वाला लिया, आप फ्रेश वाला भी ले सकते हैं, और लेमन। थोड़ी सी हींग
ड्राई कोकोनट, करेंगे इसको कड़ी पत्ता, along with sugar, can we put fruit salt fruit salt डाल दीजिए क्योंकि available now फिट्टी कैसे तो आप fruit salt use करिए, फिर आप soda भी मत use करिए, खाली fruit salt से ही काम हो जाएगा. थोड़ा सा हम पकने देंगे, इसको भी ये हमारा जाएगा इसके ऊपर डायरेक्ट. आई डोंट नो बट वाटर में फर्स्ट टाइम देखा है यूज करते हुए, आई गेस तड़के के लिए बोल रहे हैं. ओके, नहीं
नहीं तड़का नॉर्मली उसको सॉफ्ट स्पॉन्ज एक मॉइस्चर देने के लिए ढोकले को हम पानी डालते ही डालते हैं उसमें तड़के में, किसी चाहे हम नॉर्मल बेसन वाला ढोकला बनाए चाहे क्या कहते हैं कोई भी ढोकला बनाए चाहे रवा वाला बनाए या ये वाला बनाए, तो इससे क्या होता है थोड़ा एक मॉइस्चर आ जाता है ढोकले में तो और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है ढोकले का। ये बचा हुआ पानी वो हम ऊपर चढ़ा दूंगा उसके। तो ये दिस इज ओट्स एंड हेल्दी ओट्स एंड दलिया ढोकला इज रेडी। आप उसको किसी चाहे कोकोनट चटनी चाहे धनिया की धनिया पुदीने की चटनी या किसी भी चटनी जो भी आपको अच्छी लगती हो उसके संग आप सर्व करेंगे। Enjoy and please give me your feedback after trying this recipe and how it turns out. क्या हर ढोकले में वाटर यूज करते हैं? हाँ हर महीने हर ढोकले में कि ढोकले के बैटर में कि टेम्परिंग में? I guess टेम्परिंग। तो टेम्परिंग में हाँ हर ढोकले में टेम्परिंग में हर ढोकले में वाटर यूज किया जाता है सो टेम्पर करने के लिए, क्योंकि बहुत खासकर बेसन वाला तो वैसे ही बहुत ड्राई हो जाता है तो उसको हल्का सा मॉइस्चर देने के लिए ढोकले में ढोकले की टेम्परिंग में पानी यूज किया जाता है। एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज। प्रोसेस इज ओके बट आई थिंक इट्स नॉट स्पॉन्जी। स्पॉन्जी यू कैन सी after trying the recipe in the comment sections below, and once again thanks Amul for giving me an opportunity to come in live on their official page.